इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिनमें सबसे पहली बात यह है टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन। अगर दोनों दो इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है और दोनों के साइन अपोजिट है तो असाइन नेगेटिव साइन टू द प्रोडक्ट, तो आपको आंसर में या प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स विद सेम साइन, अगर सेम साइन के इंटीजर्स हैं तो आपके प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लगेगा। अब सेम साइन नेगेटिव भी हो सकता है और सेम साइन पॉजिटिव भी हो सकता है। तीसरी बात यह है, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन, अगर आप जिन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इंटीजर्स मोर देन टू हैं तो आपको उसमें नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं वो देखना है। अगर उनका नंबर इवन है तो आपके प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लगेगा, और अगर उनका नंबर ऑड है तो आपके प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन लगेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो मैंने ये लिया है -4 एंड -6, बोथ द इंटीजर्स हैविंग सेम साइन। सेम साइन है तो हमको क्या करना है, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है माइनस, और ये इसका भी माइनस, दोनों को कर दिया, और उसके बाद इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको किया 4 × 6। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके बन गई ये पॉजिटिव, और 4 और 6 मल्टीप्लाई बन के हो गए 24। तो पॉजिटिव 24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिकॉज बोथ द साइन आर सिमिलर। दूसरे केस में यहां देखते हैं तो एक नेगेटिव मैंने लिया है -3 और दूसरा लिया है 12। अब एक नेगेटिव है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हमने माइनस ये साइन इसका मल्टीप्लाई हुआ इसका पॉजिटिव साइन, और दूसरी तरफ हमने किया 3 × 12 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके बन गए माइनस, और 3 × 12 ये हो गए आपके 36। तो -36 ये क्योंकि इनके अपोजिट साइन थे इसलिए -36 इनका आंसर। अब यहां एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये -1, -1, -1, -1 ये इतने सारे -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके हम पेयर बनाते हैं, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके बन गए प्लस और ये आ गया 1। ठीक है, अब ये -1 और ये -1 मल्टीप्लाई हुए इनका भी आ गया 1, फिर ये -1 ये -1 मल्टीप्लाई हुए ये भी हो गया 1। ठीक है, और इसके बाद ये +1 का है ये -1 का है तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके बन गया -1, एक -1 है हमारे पास अभी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस है प्लस आ गया, ये एक प्लस का था एक माइनस का था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो आपका आंसर यहाँ पे -1 आया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर आ गया आपका -1। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कर सकते हो, जैसे आप नेगेटिव साइन काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें नेगेटिव साइन कितने थे 7, और 7 क्या है ऑड नंबर है। अगर नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स आता है तो हमको प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2 × 2, ये सारे नेगेटिव ही कर लेते हैं। ठीक है, −2 × −2 × −2 × −2। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आया -4, इन दोनों को किया माइनस माइनस हो गए तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया 4, और है ना, और ये अकेला रह गया बेचारा। ठीक है, अब इसको इसको किया क्या आया आपका -4 − 4 − 16, और इंटू ये -2। ठीक है, माइनस माइनस हो गया ये आप पॉजिटिव 32, आंसर क्या आ गया 32 पॉजिटिव। अब अगर इसको हम देखते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, यहाँ पे कितने नेगेटिव साइन थे 1, 2, 3, 4, तो 4 थे। ठीक है, कितने थे यहाँ पे 4 नेगेटिव साइन थे, और 4 क्या नंबर है हमारा इवन, इसलिए प्रोडक्ट हमारा क्या बना यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक
ठीक है। अगर इवन नंबर इवन टाइम्स पॉजिटिव साइन आते हैं तो सॉरी इवन टाइम्स अगर नेगेटिव साइन होते हैं तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है, अगर ऑड टाइम्स आपके नेगेटिव साइन होते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा दोनों पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास 3 × 5, इनको अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे। अब ये यहाँ पे जीरो मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं जीरो मार्क किया है, तो जीरो को ये आपको थ्री को कितने टाइम्स लेना है, फाइव टाइम्स, फाइव को थ्री टाइम्स भी ले सकते हो क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, हम जो है प्लेस चेंज कर सकते हैं तो अभी डिफरेंस नहीं आएगा, हम थ्री को फाइव टाइम्स लेते हो, ये एक बार हो गया थ्री आपका यहां तक, फिर 1 2 3 यहां तक, ये भी थ्री हो गया, फिर 1 2 3 यहां तक, ये भी थ्री हो गया, 1 2 3 ये भी हो गया, और 1 2 3 ये भी हो गया। ये हम राइट साइड में जा रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है सब, ठीक है। प्लस थ्री, ये भी प्लस थ्री, ये भी प्लस थ्री, ये भी प्लस थ्री, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस थ्री, तो कितना आया, कहां पे आए, 15 पे, आंसर 15 हो गया। यहां पे भी आंसर क्या हो गया हमारा, 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इफ द बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव। नाउ सेकंड केस में देखते हैं, यहां पे क्या है, मैंने दो इंटीजर्स लिया है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब माइनस टू को हम फोर टाइम्स करके देखते हैं, जीरो मैंने यहां मार्क किया, माइनस टू इधर आ गया, ये आपका माइनस टू, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस टू, फिर माइनस टू इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी माइनस टू, ये भी माइनस टू, फोर टाइम्स करना है ना, और ये भी माइनस टू, तो नंबर लाइन पे हम इस तरह से शो कर देंगे, आंसर क्या आ गया आपका माइनस एट, और यहां पे भी देखा तो आपका आंसर आ गया माइनस एट, ठीक है। अब थर्ड केस में देखते हैं, इसमें मैंने दोनों इंटीजर्स को निगेटिव लिया है, निगेटिव लिया है तो जीरो से लेफ्ट साइड ही जाएंगे। अब माइनस टू को हम थ्री टाइम्स कर सकते हैं यहां पे भी, तो जीरो से स्टार्ट करके ये माइनस टू, फिर ये माइनस टू, और ये फिर से माइनस टू, ये आपके माइनस टू हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस टू हो गया, लेकिन आप देखोगे कि आंसर तो सिक्स आता है, सिमिलर साइन में तो आपका पॉजिटिव आता है प्रोडक्ट, तो यहां पे तो आपका माइनस सिक्स आंसर आ रहा है, अब इसको कैसे आप करोगे, लेकिन ये तो रॉन्ग आंसर हो गया, करेक्ट आंसर तो आपका ये सिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये सोचोगे कि एक माइनस हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 2 × -3, 2 × -3 बनेगा, तो ये माइनस साइन बाहर, हमने ये क्या किया तो आपका माइनस सिक्स, और ये माइनस और ये माइनस बन के हो गए प्लस सिक्स। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि माइनस टाइम्स कुछ होता ही नहीं है, हम ये कर रहे हैं थ्री टाइम्स कर रहे हैं, माइनस टाइम्स नहीं हो रहा है ये, क्योंकि आपको कोई बोले कि माइनस टू टाइम्स करो, माइनस थ्री टाइम्स करो, तो इट इज मीनिंगलेस, समझ गए। तो इसको हमको इस तरह से देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।